नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। मंच ते आना और किसान भीरां दे नाल अपने विचार सांझे करना। जो बोले सो निहाल, और जोर से थोड़ा, जो बोले सो निहाल। दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में बम जैसा लगना चाहिए ये आवाज। बोले जो बोले सो निहाल। सभी भाइयों को राम राम, सभी बहनों को चरणों में प्रणाम। किसान भाइयों, ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। जब आपने इस लड़ाई का बिगुल पंजाब से फूंका तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मैं मध्य प्रदेश से भी इस आंदोलन में आया हूं और मेरे जैसे सैकड़ों युवा और किसान इस आंदोलन में आने के लिए आज तत्पर है मेरे भाइयों। और मैं तो कहता हूं, और आज इस सिंधु बॉर्डर की इस पवित्र धरती पर आज सब किसान भाइयों के चरणों में मैं नमन करते हुए पूरे देश से आह्वान करता हूं कि यह लड़ाई 1947 से पहले जब अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी तो सरदार भगत सिंह ने एक लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं के नेतृत्व में हमने अंग्रेजों को भगाया था और इस देश को आजाद किया था। आज एक बार फिर कंपनी का राज आएगा, किसानों की जमीन छीनी जाएगी और किसान को दर्दर ठोकर खाने के लिए मजबूर मोदी सरकार करने को जा रही है। जब किसान के पास जमीन नहीं रहेगी तो हम अपनी जमीन में मजदूर होंगे और कैसे मजदूर होंगे, वो मजदूर हम गुलामों की तरह मजदूर होंगे भाइयों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ करता था। वो दौर बदल गया है, अब दौर जो है किसानी का नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार आपको और हमको लगातार गुमराह कर रही है। आज हमने टेलीविजन के माध्यम से सुना कि प्रधानमंत्री जी की ओर से कृषि मंत्री वगैरह ने कहा कि हम 3 बजे किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल मैंने भाषण सुना था वाराणसी के अंदर, और वाराणसी में प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश को गुमराह कर रहे थे और कहते थे कि हर हर महादेव, तो हर हर महादेव से हर हर महादेव नहीं होगा जब तक किसानों का, मैं समझता हूँ, कल्याण नहीं होगा। किसानों को उसका, उसकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा तब तक मैं समझता हूँ हर हर महादेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो संघी लोग हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों के साथ मजे किए थे, आज ये अंबानी और अडानी की जेब में बैठ कर आज किसानों को लूटना चाहते हैं, भगत सिंह के उस भारत को बर्बाद करना चाहते हैं जिस आजादी के लिए भगत सिंह जैसे हजारों लाखों युवाओं ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। ऐसे लोगों से तो बस मैं यही कहूंगा कि हिमालय की चोटी से भगत सिंह ने ललकारा है, दूर हटो गद्दारों, हिंदुस्तान किसानों का है, हिंदुस्तान किसानों का है। तो किसान भाइयों, कल जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी वाराणसी में ये कह रहे थे कि बोले मैं नरेंद्र मोदी और मेरी भाजपा की सरकार जब 2014 में यहाँ पर आई तो बोले हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोले गेहूँ और धान जो है वो समर्थन मूल्य में खरीदा गया, तो ये उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बताया कि 2014 से पहले किसानों की तमाम फसलें वैसे ही समर्थन मूल्य से ऊपर बिकती थी, लेकिन जब मोदी आ गए तो जो गेहूँ 2000 में बिक रहा था, 1800-1900 में बिक रहा था, वो गेहूँ आज जो है वो 1500-1400-1200 में बिक रहा है। आप तो जानते हैं, ये है मोदी का झुनझुना, जो किसानों को सिर्फ झूठ बोलकर देश को गुमराह कर सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर उन्होंने जो धर्म का, जो पाखंड का, जो रवैया पूरे देश में फैलाया हुआ है, मैं समझता हूँ उससे आज पूरे देश को उभरने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, मोदी जी कभी किसानों को उसकी असल उपज का देने का की बात नहीं करेंगे, मोदी जी कभी अच्छे इलाज की बात नहीं करेंगे। मोदी तो ये कहेंगे कि मैंने बोले वो पानी में जहाज चला दिया, बोले मैंने वो जो है वो बुलेट ट्रेन की व्यवस्था कर रहा हूँ,
अरे मोदी जी, इस देश के अंदर 90% किसानी से लोग अपनी जीविका चलाते हैं, और यदि किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा मेरे भाइयों। मोदी जी के साथ जो लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, उन लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मोदी किसान विरोधी है, और जो किसान विरोधी है वो मैं समझता हूँ देश विरोधी है, और ऐसे देश विरोधी नेता को मैं समझता हूँ हमें सबक सिखाने की आवश्यकता है भाइयों। क्यों? क्योंकि आज जिन तीन काले कानून को लेकर आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, उनके बारे में आप स्पष्ट जानते हैं क्या है वो तीन काले कानून जिनको मोदी जी की सरकार ने जबरदस्ती संसद में पास कराया, किसानों से बात नहीं करी। पार्लियामेंट के अंदर जब राज्यसभा का सेशन बैठा तो उसके अंदर मोदी जी के पास बहुमत नहीं था, वहां उन्होंने जबरदस्ती धक्के से उस कानून को पास करा। मोदी जी को बताना चाहिए ऐसी क्या जरूरत थी जो इस कानून को लोकतंत्र की हत्या करके पास कराया गया। मैं समझता हूँ मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी और तमाम पूंजीपतियों के चौकीदार है जो भैया उनकी चौकीदारी कर रहा है और हमारे साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब लोग तो ये भी कह देते हैं, अरे बोले मोदी जी तो बहुत बड़े हैं। अरे मोदी जी देश से बड़े नहीं है, मोदी जी किसान से बड़े नहीं है, मोदी जी कमेरे वर्ग से बड़े नहीं है। जिन तीन काले कानूनों को मोदी जी लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहला कानून आप जानते हैं कि मंडी की व्यवस्था को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया है। पहले व्यापारी जब बाहर मंडी के बाहर खरीदता था तो उस पर प्रतिबंध था, लेकिन अब मोदी जी ने व्यापारी के लिए खोल दिए हैं दरवाजे। और जब आप सोचो कि मंडी में तो व्यापारी जब खरीदता था तो उस पर टैक्स लगता था, जब बाहर खरीदता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो जब मंडी तो बोले मंडी हमने समाप्त नहीं करी, लेकिन जब मंडी में आएगा तो उसको टैक्स लगेगा, तो वो व्यापारी जो है वो मंडी के बाहर खरीदी करेगा, और जब बाहर खरीदी करेगा तो मंडी में कोई व्यापारी नहीं आएगा, तो किसान वहां क्या करेगा भाइयों, ये तो आप मुझे बताओ। और जब व्यापारी के पास मंडी के बाहर किसान को जब जाना पड़ेगा तो वो व्यापारी एक यहाँ बैठेगा, एक वहां बैठेगा, एक वहां बैठेगा, तो क्या होगा, वो मनमाने तरीके से आपको और हमको लूटने का काम करेगा, तब किसान कहीं का नहीं बचेगा। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि आज अगर मंडी व्यवस्था है तो उसके अंदर तमाम बने उसी मंडी के प्रांगण के अंदर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और वो हमारी फसलों के दाम लगाते हैं। मैं समझता हूँ उस व्यवस्था को मोदी जी ने चौपट करने का काम करा है। और मोदी जी कहते हैं कि बोले मैंने जो है सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदा है, धान खरीदा है, लेकिन मोदी जी को पता होना चाहिए ये सरकारी आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 6% किसानों की फसलें समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा खरीदी जाती है, और 94% जो फसलें हैं उसको दिन दहाड़े मोदी जी के लोग लूट लेते हैं। ये है मोदी का असली चरित्र भाइयों, इसको समझना होगा। ये मोदी बहुत कलाकार आदमी है, ये वाराणसी में जाता है, हर हर महादेव करता है, हर हर गंगे करता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो रामा रामा हरे हरे और अनदेखाओ खड़े खड़े वाले चरित्र के लोग हैं, जिनका ना राम से नाता है, जिनका ना धर्म से नाता है, और जो जिनका ना वाहे गुरु से नाता है। ये आदमी तो मैं समझता हूँ रावण से भी ज्यादा पाखंडी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पंजाब के लोगों, मेरे हरियाणा के लोगों और तमाम मेरे भारत के मेरे किसान भाइयों, ये लड़ाई बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है। और मैं देख रहा था जब मैं मध्य प्रदेश से कल भोपाल से यहाँ पर आया, उससे पहले मैंने देखा कि मोदी जी ने कितनी निर्दयता से हमारे किसानों के ऊपर पानी की बौछार डाली थी, हमारे किसानों को किस तरीके से पीटा गया था, हमारे किसानों को किस तरीके से पुलिस के बल के तहत डराने का और धमकाने का एक दुस्साहस मोदी सरकार ने किया है। इस मोदी सरकार को मैं समझता हूँ सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े विचारक थे जो समानता की बात करते थे, उन्होंने आज से 40 वर्ष पूर्व कहा था कि उन्होंने कहा था कि जब संसद जब सड़कें सूनी हो जाती है तो भैया जो संसद आवारा हो जाती है। और यह हमारा प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से सड़कों के शून्य होने के कारण आवारा हो गया था, इसको ठिकाने लगाने के लिए, इस प्रधानमंत्री को सही रास्ते पे चलाने के लिए आज आपने सड़कों पर इकट्ठे होकर ये दिखा दिया है कि हम संसद को भी बदल देंगे और प्रधानमंत्री को भी बदल देंगे। और ये नहीं होगा कि हम पर 7 साल का इंतजार
करेंगे, क्योंकि जिनका कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है। मेरे भाइयों, मोदी जी को मैं देश के किसानों को आह्वान करना चाहता हूँ कि मोदी जैसे तानाशाह, मोदी जैसे किसान विरोधी नेता को अगर हटाना है तो किसान भाइयों पूरे देश से अपने घर से निकलो और इस दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आओ, दिल्ली के तमाम रास्तों पर आओ। और मैं समझता हूँ ऐसा माहौल इस देश के अंदर पैदा होना चाहिए कि फिर कोई और हुकूमत किसानों के खिलाफ कोई कानून संसद के अंदर जबरदस्ती पास ना करा सके। वो एक ताज किसानों को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपमान सहो तो पड़ते ही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपमान के सामने लड़ाई लड़ी थी। अत्याचारी व्यवस्थाएं थी उस समय औरंगजेब के, लेकिन गुरु जी ने कभी, मैं समझता हूँ, उस अत्याचारी व्यवस्था के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प था कि अपमान सहो तो बढ़ते हैं, अन्याय नहीं कम होता है। अपमान सहो तो बढ़ते हैं, अन्याय नहीं कम होता है। और कायर फिर मौत मरा करते हैं, जीते जिनमें दम होता है। और पीले ढाले रहने से तो शबनम गंदक हो जाएगी, वो दंड बढ़ेंगे दंड बिना, एक दिन संसद भी बंदक हो जाएगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मोदी से नहीं डरना है। मैं समझता हूँ किसी भी पुलिस से, किसी भी आतंकवादी या किसी भी अराजकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई सरकार हमको मार नहीं सकती, कोई सरकार हमको डरा नहीं सकती। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तेरे सामने दुर्योधन खड़ा हुआ है, और उस दुर्योधन की छाती को चीर दे और इस अत्याचारी व्यवस्था को समाप्त कर दे। लेकिन अब हमको किसी की छाती चीरना नहीं है, हमको एकता दिखानी है, और एकता दिखाकर हमको ये बताना है कि हतो प्राप्ति स्वर्गम जितो मोक्ष से मही तस्तिष्ठ कौन पे जो भाई प्रतिष्ठया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अरे तू युद्ध को लड़ते लड़ते मारा गया तो स्वर्ग का उपभोग करेगा, और जीत जाएगा तो इस धरती का उपभोग करेगा। तो हमको मरना नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमको इस किसान आंदोलन में जीतना है, और इस जीत को हम लेकर जाएंगे। और जब तक मोदी सरकार इन 3 कालेकारों को वापस नहीं देती, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जन आर्या जी का, किसान जी बुला रहे बेनती की।